Hello guys, this is Neha, Neha Rajpurohit. Today we are going to start our topic, that is nature of management. Nature यानी प्रकृति, of management मतलब प्रबंधन. तो प्रबंधन प्रकृति की बात करते हैं. वैसे नेचर आप लोगों को पता है, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी पर्सन हो, सबका एक पर्टिकुलर नेचर होता है. तो वही है कि यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट के नेचर की बात की है. तो मैनेजमेंट के नेचर को कुछ पॉइंट्स में मैंने डिफाइन किया, यहाँ पे की पॉइंट्स नोट आउट करवाए हैं. हम वन बाय वन एवरी नेचर एवरी प्रोसेस के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट, मैनेजमेंट एज मल्टी मोड. तो मल्टी मोड का मीन होता है बहुविधा. तो प्रबंध बहुविधा के रूप में. सेकेंड वन, मैनेजमेंट एज साइंस. प्रबंध विज्ञान के रूप में, साइंस यानी विज्ञान. मैनेजमेंट एज आर्ट, प्रबंध कला के रूप में. मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, प्रबंध पेशे के रूप में. मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल प्रोसेस, प्रबंध सार्वभौमिक प्रक्रिया के रूप में. अब ये मल्टी मोड कैसे है, साइंस कैसे है, आर्ट कैसे है, प्रोफेशन कैसे है, यूनिवर्सल प्रोसेस कैसे है, इन सबको हम विद एक्सप्लेनेशन अच्छे से डिफाइन करेंगे, डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मैनेजमेंट एज मल्टी मोड यानी बहुविधा के रूप में कैसे है. तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन राइज होता है कि बहुविधा क्या होती है. बहु मतलब बहुत सारी यानी विभिन्न विभिन्न. विधा का मीन क्या होता है. तो विधा का मतलब ये होता है कि ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा, नॉलेज की एक पर्टिकुलर ब्रांच. तो स्वतंत्र शाखा. तो यहाँ पे हमने कहा है कि मैनेजमेंट एज मल्टी मोड यानी प्रबंध खुद एक ज्ञान की स्वतंत्र शाखा है, बट इसके आगे हमने क्या लिख दिया है, मल्टी यानी बहु. तो ये बहु कैसे हुआ, तो बहु का ये है कि मैनेजमेंट यानी प्रबंध जो है उसमें बहुत सारी अन्य शाखाओं का भी योगदान है. लेकिन हम इसमें ये नहीं कह सकते कि प्रबंध पूर्णतः उन्हीं के ऊपर डिपेंड है. नो, प्रबंध खुद एक स्वतंत्र शाखा है, ज्ञान की एक स्वतंत्र शाखा है, बट इसके अंदर बाकी सारे ब्रांचेस का भी बहुत सारा योगदान मिला है. इसीलिए इसको क्या कहा है, मल्टी मोड कहा गया है. अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी शाखाएं हैं जिनसे योगदान मिला है, जिनसे प्रबंध में कुछ ना कुछ इंक्लूड हुआ है. तो वैसे तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, हमारी पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें जो है वो प्रबंध में कहीं ना कहीं योगदान दे ही रही है. लेकिन उनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं पांच, उनको आपको विद एक्सप्लेनेशन लिखना होगा जब भी इस टाइप का कोई भी हमारे ट्वेल्थ के अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र से मैनेजमेंट के अंदर क्या योगदान मिला है, मैनेजमेंट को कौन कौन से इफेक्ट हुए हैं जिससे मैनेजमेंट और ज़्यादा निखरा है, राइट. क्योंकि मैनेजमेंट खुद के प्रिंसिपल्स हैं, उसको बहुत सारे खुद के प्रोसेस है, बहुत सारे खुद के कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन उन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते टाइम, एनवायरनमेंट के साथ चलते टाइम हमें बाकी और सारे ज्ञान की शाखाओं से भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प मिलती रहती है. तो आज वो डिस्कशन करते हैं कि मल्टी मोड के रूप में कैसे वर्क करता है. तो सबसे पहले हमने बात की है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र. हम सब जानते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर हम इकोनॉमिक पॉलिसीज, हमारे संसाधनों का बंटवारा कैसे करना है, हमारे डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस की जाती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के जितने भी कार्य किए जाते हैं, जितनी भी कार्य प्रणालियाँ ली जाती है, वो इकोनॉमिक्स के थ्रू करवाई जाती है, की जाती है. तो डिसीजन मेकिंग का जो वर्क होता है वो इकोनॉमिक्स से सबसे पहले हमें मोस्टली मिलता है, और ये डिसीजन मेकिंग का वर्क हमारे मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होता है. तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इकोनॉमिक्स से हमें डिसीजन मेकिंग करना, संसाधनों का बंटवारा करना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना मैनेजमेंट में आया है, राइट. और कल हमने देखा भी था कि मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पड़ी थी हमने, इसमें हमने देखा था कि संसाधनों का विकास करना और संसाधनों का समुचित उपयोग करना, ये क्या है, मैनेजमेंट का महत्व है. तो ये मैनेजमेंट का महत्व कहाँ से हमें मिला है, कहाँ से इसमें योगदान आए, इसके प्रिंसिपल कहाँ से मिले हैं, तो वो इकोनॉमिक्स के थ्रू हमारे पास आए, राइट. तो सेकेंड है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान. अब पॉलिटिकल साइंस में कह सकते हैं कि एक संगठनिक कार्य, एक संगठन बनाना, एक संगठन के प्रिंसिपल्स बनाना, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन के जो वर्क होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के समूह के जो कार्य होते हैं, वो डेफिनेटली पॉलिटिकल साइंस से डिफाइन होते हैं. पॉलिटिकल साइंस में इनके प्रिंसिपल्स हमें मिलते हैं और वो ही हमारे मैनेजमेंट में भी अप्लाई किए जाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी अपना एक प्रेफर योगदान रहा है हमारे मैनेजमेंट के अंदर. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
साइकोलॉजी मनोविज्ञान। साइकोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसमें कर्मचारियों का, उपभोक्ताओं का, प्रोडक्ट का, डिसीजन का, हर चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो उन मानव संसाधनों की साइकोलॉजी को समझना, उनका उनकी सोच, उनकी रुचि, उनकी डिमांड्स को अंडरस्टैंड करना, उनको उनके अनुसार रिस्पॉन्स देना, उनको संतुष्ट करवाना, ये सब क्या है साइकोलॉजी। इसमें एनालिसिस किया जाता है कि व्यक्ति और व्यक्तियों के समूह की क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे मोटिव करना है। तो साइकोलॉजी का जो वर्क होता है वो हमारे मैनेजमेंट में डेफिनेटली किया जाता है। और साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में यूज किए जाते हैं वो साइकोलॉजी मोड से हमारे पास आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट फोर्थ की बात करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र। हमारा जो संगठन होता है वो समाज में रहते हुए ही वर्क करता है, समाज के रिसोर्सेज को लेता है, समाज को ही वापस रिटर्न करके देता है। तो डेफिनेटली हमें समाज के और सोशल लोगों के, सामूहिक लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखना पड़ता है, उनको एनालिसिस करना पड़ता है, उनके लिए गोल अचीव करके रिजल्ट प्रदान करना पड़ता है जिससे वो भी सेटिस्फाई हो, हमारा भी ऑब्जेक्टिव कम्प्लीट हो। तो वो जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का काम होता है वो हमारे प्रिंसिपल्स यानी सोशियोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स है वो भी हमारे मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑर्थोपोलॉजी यानी मानव शास्त्र, जिसके अंदर एक व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति के मानव गुण या फिर हम कह सकते हैं कि व्यवसायिक नैतिकता के रूल्स जो होते हैं वो सब हमें इसी से मानव शास्त्र से मिलते हैं, क्योंकि हम खुद कर्मचारी और मानवीय संसाधनों के मध्य रहते हुए काम को करते हैं। मैनेजमेंट किसका किया जाता है? मैनेजमेंट डेफिनेटली गैर मानवीय संसाधनों का किया जाता है, लेकिन वो किसके थ्रू करवाया जाता है? वो मानवीय संसाधनों के थ्रू ही करवाया जाता है। और मानवीय संसाधनों का गहन अध्ययन करना, और सबसे मेन चीज है कि मानव का अध्ययन करना या कर्मचारियों के अंडरस्टैंडिंग को समझना, ये सबसे बड़ा मैनेजमेंट है, क्योंकि हमें सारा वर्क उन्हीं से करवाना है, लीडरिंग हमें उन्हीं पे करनी है, मोटिवेट भी हमें उन्हीं को करना है, रिजल्ट भी हमें उन्हीं से मिलेगा, प्रोडक्शन भी हमें उन्हीं से करवाना है, हर चीज का क्या है वर्क हमें उन्हीं से ही प्राप्त होगा। तो उनके बारे में एनालिसिस करना हमें इन्हीं से मिलता है, साइकोलॉजी से, मानव शास्त्र से, राइट। तो ये सब मैनेजमेंट के अंदर यूज होते हैं, इन सब के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के अंदर यूज दिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स से हमें क्या मिलता है? संसाधनों का आवंटन कैसे करना है, उनका समुचित उपयोग कैसे लेना है, डिसीजन मेकिंग का वर्क कैसे करना है। मैनेजमेंट के अंदर ये जो वर्क किया जाता है वो इकोनॉमिक के प्रिंसिपल से ही हमें हेल्प मिलती है, वही हमारे इस मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस से हमें संगठन बनाना, संगठन की संरचना को समझना, संगठन के सिद्धांतों को, ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल्स को समझना, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट का सेकंड फंक्शन क्या होता है, सेकंड प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आप लोगों को पहले ही डिफाइन किया था, मैनेजमेंट के फाइव प्राइमरी फंक्शंस होते हैं जिन्हें पोस्ट इसलिए कहा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो सेकंड वर्क जो हमारा है वो है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग की संरचना को समझना, उनके प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना, ये सब मैनेजमेंट में इंक्लूड है। तो इन प्रिंसिपल्स में हेल्प हमारी कहाँ से हुई थी? पॉलिटिकल साइंस से। साइकोलॉजी की बात करें तो डेफिनेटली कर्मचारियों को, उपभोक्ताओं को, उनकी सोच को, उनकी रुचि को समझना, उसके अनुसार ही हमें प्रोडक्ट बनाना होता है और फिर उन्हीं को देना होता है, उन्हीं से वापस फीडबैक लेना होता है, उन्हीं को संतुष्ट करना होता है। तो उनकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आप लोगों को पढ़ाना होता है तो पहले आप लोगों की साइकोलॉजी को समझना पड़ता है कि यस इस बच्चे की ये साइकोलॉजी है, यहाँ पे ये साइकोलॉजी, उनके सबको साथ में कोऑर्डिनेट करते हुए हमें चलना पड़ता है, राइट। तो ये साइकोलॉजी का भी हम मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है प्रिंसिपल्स। सोशियोलॉजी समाज के लिए ही वर्क कर रहे हैं, चारों इन्वायरमेंट हम समाज में रहते हुए हमारा ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सोशियोलॉजी के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। ऑर्थोपोलॉजी मानव शास्त्र के, तो उसके अंदर भी नैतिक गुण, व्यवसायिक नैतिकता के गुण, वो सारे के सारे मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। तो ओल ओवर हम कह सकते हैं कि इन सबका योगदान, इन सबका नहीं, इन सबके अलावा भी सबका है, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सबको अपना अपना योगदान है, किसी का ज़्यादा योगदान है, किसी का कम योगदान, लेकिन ये सब किसमें मिलते हैं? मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट इन सबको एकीकरण करता है और फिर अपने प्रिंसिपल्स बनाता है, फिर अपना मैनेजमेंट एक बाहर निखर के आता है। तो मैनेजमेंट एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है, इन सब से भी प्रूफ हो जाता है, ये पर्टिकुलर और मैनेजमेंट के अंदर इन सब का कंबाइंड है, कॉम्बिनेशन है। तो राइट, मैनेजमेंट इतना पावरफुल है, तो ये सब हम कह सकते हैं, इन सबको देख के हम कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट डेफिनेटली एक स्वतंत्र विधा है, लेकिन वो एक बहुविधा के रूप में कार्य करता है, चारों तरफ चारों एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलता है। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट का एक नेचर है कि मैनेजमेंट एज मल्टी मोड, प्रबंध एक बहुविधा के रूप में कार्य करता है।
नेक्स्ट हमारे सेकेंड नेचर, फर्स्ट नेचर हमने कंप्लीट कर लिया कि मैनेजमेंट एज ए मल्टी मोड कैसे, नेक्स्ट हमारा नेचर आता है कि मैनेजमेंट एज साइंस यानी विज्ञान और मैनेजमेंट एज आर्ट यानी कला, राइट। तो मैनेजमेंट साइंस और आर्ट कैसे है वो हम देखें, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि विज्ञान होता क्या है, विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के यहाँ पे मैंने कुछ गुण लिखे हैं कि विज्ञान की विशेषताएं ये है, यहाँ पे आर्ट क्या होता है और आर्ट की कुछ विशेषताएं लिखी है। पहले हम इनको अंडरस्टैंड करेंगे और फिर हम इनको मैच करेंगे हमारे मैनेजमेंट से और रिजल्ट निकालेंगे कि हाँ अब बताओ कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है, है तो कितनी है, मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो साइंस यानी विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं, हम सब ने एक कॉमन डेफिनेशन अब तक पढ़ रखी है कि क्रमबद्ध ज्ञान के अध्ययन को विज्ञान कहा गया है। तो क्रमबद्ध मतलब व्यवस्थित क्या, एक परफेक्ट स्टेप टू स्टेप वाला नॉलेज। तो फर्स्ट विशेषता मैंने यही लिखी है साइंस की कि सिस्टमैटिक नॉलेज, व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान। डेफिनेटली हमें पता है कि विज्ञान में स्टेप टू स्टेप वाइज समस्याओं का एनालिसिस करते हुए समाधानों प्रयोग किए जाते हैं, समाधानों तक पहुंचा जाता है। तो स्टेप टू स्टेप वाइज हमें एक क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन मिलता है, ज्ञान की शाखा मिलती है, तो वही हमारा विज्ञान होता है। तो विज्ञान की पहली विशेषता मैंने आप लोगों को नोट आउट करवाई है कि सिस्टमैटिक नॉलेज, राइट। अब सेकेंड मैंने साइंस की विशेषता लिखी है, साइंस का पॉइंट लिखा है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर आधारित सिद्धांत। हमें पता है कि विज्ञान में जो भी समस्या आती है उस समस्या के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोगों के द्वारा ही रिजल्ट निकाला जाता है। पहले समस्या का एनालिसिस किया जाता है, एनालिसिस के ऊपर उसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग करने के बाद हमें रिस्पॉन्स रिजल्ट रिएक्शंस मिलते हैं और उससे फाइनल रिजल्ट फाइनल प्रिंसिपल बनाया जाता है। तो सेकेंड साइंस की मैंने विशेषता यही लिखी है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, प्रयोग पर आधारित सिद्धांत। थर्ड साइंस की साइंस का मैंने लिखा है पॉइंट की यूनिवर्सल वैलिडिटी, कि साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं, विज्ञान के जितने भी सिद्धांत आप लोगों ने देखे हैं, वो हर जगह पे सेम अप्लाई होते हैं, मतलब यूनिवर्सल होते हैं। ऐसा नहीं कि प्लेस या पर्सन पे आने के बाद वो चेंज हो जाते हैं, नहीं। जैसे ग्रेविटी का नियम अगर हम देखें तो वो क्या है, हमारे यहाँ पे भी सेम है कि हम गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, यूएसए में भी अगर हम गेंद को ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे ही आएगी। तो डेफिनेटली क्या है, हर जगह पे सेम रूल अप्लाई हो रहा है, सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो ये साइंस के प्रिंसिपल्स को हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सल वैलिडिटी वाले प्रिंसिपल्स होते हैं। तो थर्ड पॉइंट यही डिफाइन किया है कि विज्ञान या साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है। तो ये तो तीनों क्या थे, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस की विशेषताएं मैंने बताई कि व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान, हमें बुक्स के अंदर स्टेप टू स्टेप वाइज नॉलेज मिलता है साइंस का, प्रयोग पर आधारित सिद्धांत मतलब जो भी समस्या है उसके समाधान तक पहुंचते हुए बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, रिएक्शंस देखे जाते हैं, उनसे फाइनल रिजल्ट बताया जाता है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग पर आधारित। थर्ड है यूनिवर्सल वैलिडिटी, साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत जो होते हैं, वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, यानी सभी जगह पे समान रूप से अप्लाई होते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण का नियम एग्जांपल बताया, तो ये साइंस के थे। अब हम मैच करते हैं कि साइंस जो है वो मैनेजमेंट से कितना मैच होता है, मैनेजमेंट साइंस के ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक को कंप्लीट करता है या नहीं करता। सो वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। तो अब मैनेजमेंट को हम इससे कंबाइन करते हैं कि क्या निकलता है, सिस्टमैटिक नॉलेज। मैनेजमेंट का भी क्या सिस्टमैटिकल नॉलेज है, डेफिनेटली है। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट हमने पढ़ा कि खुद एक स्वतंत्र विधा है, उसमें बहुत सारी विधाओं का योगदान इंक्लूड है, उसमें बहुत सारा नॉलेज है, उसमें भी स्टेप टू स्टेप वाइज हम फंक्शंस को कंप्लीट करते हैं, रिजल्ट तक पहुंचते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, पहले प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, इन सब के बीच में जो डिफरेंस आता है उसको फिल करने के लिए रीप्लान करते हैं, अगर मोटिवेशन की नीड है मोटिवेशन, लीडरिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सारे स्टेप टू स्टेप वाइज फंक्शंस किए जाते हैं, गोल्स को डिसाइड किया जाता है और गोल्स को अचीव किया जाता है। गोल्स डिसाइड से गोल्स अचीव तक का जो भी सफर होता है उस सबको स्टेप टू स्टेप वाइज कंप्लीट किया जाता है, व्यवस्थित तरीके से क्रमबद्ध तरीके से कंप्लीट किया जाता है, पहुंचा जाता है, और वापस अगर कोई भी कमी रहती है तो रीप्लानिंग से वापस प्रोसेस शुरू होती है। तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट में भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। तो यस, हम कह सकते हैं कि साइंस की जो पहली विशेषता थी वो मैनेजमेंट में भी है, तो
ये हमारा क्या परफेक्टली ओके कि एप्लेनिशमेंट भी क्रमबद्ध ज्ञान है, विज्ञान भी क्रमबद्ध ज्ञान है, राइट। सेकेंड आता है प्रयोग पर आधारित सिद्धांत। अब प्रबंध के जो सिद्धांत होते हैं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो प्रयोग पर आधारित होते हैं या नहीं होते हैं, या पूर्णतः होते हैं या नहीं होते हैं, तो वही चीज़ है कि मैनेजमेंट के जो सिद्धांत या प्रयोग किए जाते हैं वो किस पे किए जाते हैं, पहले हमारे सामने ये आता है। मैनेजमेंट किसका किया जाता है, मानवों का किया जाता है, राइट। मानव भी फिर गैर मानव संसाधनों का करते हैं, तो मानव को एनालिसिस मानव के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, उनके व्यवहार के ऊपर, उनके व्यवहार के नियंत्रण के ऊपर, उनके परिवर्तनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता के ऊपर। तो हर मानव का या हर व्यक्ति का, हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर अपना डिफरेंट डिफरेंट प्रयोग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट उसे रिजल्ट निकलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन मिलते हैं। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यस, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो बेस्ड तो होते हैं प्रयोगों के ऊपर, बट वो फिक्स नहीं होते हैं, मतलब उनके प्रिंसिपल फिक्स नहीं होते। मेरे ऊपर जो प्रिंसिपल्स हैं, मेरे ऊपर जो रिएक्शन आएंगे, वो ज़रूरी नहीं कि आप पे भी सेम आए। तो यही चीज़ है कि जो मैनेजमेंट होता है वो पर्सन का किया जाता है, इंडिविजुअल ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल का किया जाता है, तो वहाँ पे डेफिनेटली प्रयोग होते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बट वो सबके ऊपर सेम रिएक्शंस नहीं देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट 50-50 है, प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन मानवों के ऊपर प्रयोग करना या फिर एनालाइजर एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअलों के ऊपर एनालिसिस करना, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो कह सकते हैं कि यस, हर एक इंडिविजुअल अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग रिएक्शन आते हैं, तो यस प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन उनका जो रिएक्शन होता है वो सबका हमें क्या क्या मिलता है, अलग अलग मिलता है, सेम नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स इतने सारे, अगर आप खुद सोचो, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक कस्टमर का एनालिसिस करते हो और हमें पूरा नॉलेज हो जाता है कि हमें कैसा प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर डेफिनेटली हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो प्रॉफिट को ही गेन करेगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स भी डेफिनेटली यही करेंगे, तो फिर कुछ कॉम्पिटिशन या कुछ ऐसा अलग से रहेगा ही नहीं। तो लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, हम जितने भी कस्टमर्स होते हैं उन सबके अलग डिमांड, अलग गोल्स, एक संगठन में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उनके सेटिस्फाई होने के लेवल्स भी अलग अलग होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यस, प्रयोग किए जाते हैं साइंस की तरह ही, लेकिन वो फिक्स नहीं होते, रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, उनके चेंजेबल भी अलग अलग चीज़ें रहती हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि यस 50% यस और 50% नो, राइट। अब थर्ड की बात आती है कि क्या मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस के प्रिंसिपल की तरह यूनिवर्सल वैलिडिटी को रखते हैं या नहीं रखते। तो नहीं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गतिशील होते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू चेंज, उन्हें भी चेंज होना पड़ता है। इसीलिए हमने कहा कि मैनेजमेंट एक डायनामिक प्रोसेस है, एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि वो गतिशीलता के साथ चलती है, परिवर्तनों को एक्सेप्ट करते फिर मैनेजमेंट किया जाता है। लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिक्स रहते हैं, लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स फिक्स नहीं होते हैं। और वैसे भी मैनेजमेंट के हर एक मैनेजर मास्टर्स ने अपने अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए हैं, लेकिन हमारे जो आधुनिक प्रबंध के फादर हैं, जन्मदाता है, जिनको हेनरी फ्यूल को माना गया, उन्होंने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं, जिनको हम डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे हमारे लेटेस्ट सीरीज में, राइट। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनकी वैलिडिटी यूनिवर्सल नहीं होती है, डेफिनेटली वो यूज सब जगह लिए जाते हैं, बट सेम नहीं होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू टर्म्स कंडीशंस और अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स, अकॉर्डिंग टू मार्केट चेंज होते रहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि नहीं, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं रखते हैं, वो सेम अप्लाई नहीं होते हैं, सार्वभौमिक तो रहते हैं, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन यूज लेती है मैनेजमेंट को, मैनेजमेंट सार्वभौमिक है, प्रबंध सार्वभौमिक है, लेकिन प्रबंध के जो प्रिंसिपल है वो सार्वभौमिक नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज होते हैं। तो ये हम यहाँ पे हमने क्रॉस किया है, नो किया है। अब हम रिजल्ट की बात करते हैं, हमने देख लिया कि साइंस क्या है, साइंस को मैनेजमेंट से कंपेयर कर लिया, मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर कर लिया, अब रिजल्ट भी निकाल लिया कि यस मैनेजमेंट में व्यवस्थित ज्ञान है, उसमें प्रयोग भी किए जाते हैं, लेकिन रिएक्शंस ह्यूमन पे किया जाता है, तो ह्यूमन का बिहेव, नेचर, डिमांड्स, वॉन्ट्स सब अलग अलग होती है, तो वो अलग अलग यूनिवर्सल वैलिडिटी प्रिंसिपल्स के नहीं होती, वो चेंज होते रहते। तो ऑल ओवर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे तो चलो साइंस है, यहाँ पे 50% है, 50% मैनेजमेंट साइंस नहीं है, यहाँ पे तो मैनेजमेंट बिल्कुल साइंस है ही नहीं। तो ऑल ओवर हमें रिजल्ट निकालना हो तब हम क्या करें, तब हम ये कहेंगे कि ऑफकोर्स मैनेजमेंट साइंस है, मैनेजमेंट विज्ञान है,
लेकिन ये अयथार्थवाद विज्ञान है, यानी इन एग्जैक्ट साइंस है, पूर्णतः साइंस नहीं है, साइंस है लेकिन पूर्णतः साइंस नहीं है। तो ओवर ऑल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ के रिजल्ट क्या निकाला, रिजल्ट ये निकाला हमने कि मैनेजमेंट एज इन एग्जैक्ट साइंस, मैनेजमेंट जो है, प्रबंध जो है वो अयथार्थवाद विज्ञान है, राइट। तो ये हमारा रिजल्ट है, इन एग्जैक्ट साइंस है लेकिन कौन सा साइंस है, इन एग्जैक्ट, पूर्णतः साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट है, अयथार्थवाद है, जिसमें 50% हम कह सकते हैं, 50% नहीं कह सकते, राइट। अब हमारा टॉपिक आता है मैनेजमेंट एज ए आर्ट, यानी कला। तो सबसे पहले तो आर्ट होता क्या है, कला का सिंपल मीन यही होता है कि किसी भी काम को बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से करके दिखाना, ही हमारी क्या कहलाती है, कला कहलाती, आर्ट कहलाती है। तो मैनेजमेंट आर्ट है, कैसे है वो सब समझेंगे, लेकिन पहले हम आर्ट की कुछ विशेषताएं लिखी है मैंने, वो देख लेते हैं। नॉलेज, साइंस में भी नॉलेज था और आर्ट में भी नॉलेज है, लेकिन आर्ट में कैसा नॉलेज है, स्किलफुल यानी कौशलपूर्ण, राइट। सेकंड मैंने लिखा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, अभ्यास व रचनात्मकता पर आधारित। थर्ड है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस यानी व्यक्तिगत निष्पादन। ये तीनों ही एक आर्ट की या कला की विशेषताएं होती है। अब इस कला की विशेषता को हम मैच करते हैं मैनेजमेंट से कि क्या मैच होता है, क्या हमारा प्रबंध पूर्णतः कला है। तो देखते हैं कि स्किलफुल नॉलेज जो कला होती है, उस कला के अंदर हर एक व्यक्ति की स्किल, अपना कौशल होता है किसी भी कार्य को करने का, किसी भी कार्य को संपन्न करने का, गतिविधियों को पूर्ण करने का, तो वो उसका स्किल होता है, वो उसका नॉलेज होता है, जिसे वो स्किलफुल तरीके से यूज होता है, अपनी कौशलता के साथ, अपनी दक्षता के साथ यूज लेता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्ट डेफिनेटली स्किलफुल नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट में स्किलफुल नॉलेज चाहिए या नहीं चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। एक मैनेजर जो होता है वो अपनी स्किल्स का यूज लेता है, अपनी लीडरिंग का यूज लेता है, अपने कोऑर्डिनेट करने के वे का यूज लेता है, अपने हैंडल करने के तरीके का यूज लेता है, कमांड कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करना है, हैंडल कैसे करना है, कंट्रोलिंग कैसे करनी है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे बैठाना है, तो ये सारे उसकी स्किल्स होती है, उसका नॉलेज होता है, उसकी स्किल होती है। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली मैनेजमेंट के अंदर मैनेजर ये सब चीज़ें यूज लेता है, आर्ट को यूज लेता है, आर्ट के स्किलफुल नॉलेज को यूज लेता है। तो डेफिनेटली ये जो पहला विशेषता लिखी है वो मैनेजमेंट में होती है, राइट। सेकेंड होता है कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, कला जो होती है वो अभ्यास के साथ साथ निखरती जाती है। जैसे पेंटर्स होता है, पेंटिंग्स करते 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 उसकी पेंटिंग्स बेस्ट बनने लग जाती है। तो हम कहते हैं कि अभ्यास के और क्रिएटिविटी के साथ में वो और ज़्यादा निखरती रहती है, कला का गुण माना जाता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका बेस उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव निकल, इतना ही ज़्यादा निखर के बाहर आएगा। मैनेजमेंट में भी एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, मैनेजर जो होता है वो जितने ईयर्स, जितना उसका एक्सपीरियंस होता है मैनेजमेंट करने का, जितने वो प्रैक्टिस करता है, जितने वो हैंडल करता है मैनेजमेंट को, बेस्ट तरीके से यूज़ लेता है, वैसे वैसे उसको नॉलेज ज़्यादा रहता है, उसकी प्रैक्टिस होती रहती है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है, जिससे वो रिजल्ट्स को, सिचुएशंस को बेस्ट तरीके से हैंडल कर पाता है। तो डेफिनेटली एक मैनेजर के अंदर प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। तो मैनेजमेंट प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर भी डिपेंड है, जितना अनुभव ज़्यादा होगा मैनेजमेंट में उतना ही ज़्यादा बेस्ट तरीके से किया जाएगा। तो ये सेकेंड पॉइंट भी हमारा टिकआउट होता है कि यस, मैनेजमेंट के अंदर कला का ये गुण भी पूर्णतः व्याप्त है। अब थर्ड की बात करते हैं, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, कला के अंदर व्यक्तिगत गुणों का या व्यक्तिगत निष्पादन का समावेश होता है। कैसे, हर एक व्यक्ति जैसे संगीत या संगीत गाने वाला होता है, वो क्या करता है, सुर ताल सबकी, सबका जो बेसिक नॉलेज होता है वो सेम होता है, लेकिन फिर भी सभी के जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो अलग अलग निकलते हैं, बेहतर, अच्छा, बहुत अच्छा, बेहतरीन, ये सब उनके क्या है, प्रैक्टिस, उनके रचनात्मकता के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन इंडिविजुअल होते हैं, हर एक का अलग अलग रहता है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो टीचर की ही बात करें, हम लोग यहाँ पर आप लोगों को पढ़ा रहे, तो हर टीचर पढ़ा रहे हैं सेम चीज़ है, सबके पास बुक्स, नोटबुक्स, बुक्स, नॉलेज सब है डेफिनेटली, लेकिन उनके पढ़ाने का वे, उनके पढ़ाने के तरीके, उनका इंडिविजुअल चीज़ है आप लोगों के ऊपर जो आपको वो दे रहे हैं। तो उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो इंडिविजुअल होता है, लेकिन है सब क्या, टीचर्स है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस क्या, इंडिविजुअल है। तो ये उनकी आर्ट है, ये उनकी क्या है, कला है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कला में व्यक्तिगत निष्पादन होता है, और मैनेजमेंट में भी
क्या होता है, एग्जैक्ट यही चीज अप्लाई होती है। कैसे, मैनेजर जो होता है वो हर मैनेजर अपने अलग अलग तरीकों से प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालता है, अपने अलग अलग थॉट्स को यूज देता है, अपने अलग अलग प्रॉब्लम सोल्यूशन के वेव्स को यूज लेता है, उसी से वो रिजल्ट निकालता है। वो भी क्या, इंडिविजुअल परफॉर्म करता है। हम ये नहीं कहते कि हर ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी मैनेजर्स है वो सब सेम रिजल्ट निकालते हैं, सब सेम सोचते हैं, नहीं, सबका अलग तरीका होता है, सबका अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब अलग तरीके से प्लान करते हैं, अलग तरीके से कंट्रोल करते हैं, अलग तरीके से रिजल्ट को अचीव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स की क्या होती है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली मैनेजर हर जगह पे है, कला हर जगह पे है, लेकिन उनके निष्पादन परफॉर्मेंस के तरीके अलग अलग है। तो ऑल ओवर हमने देखा कि आज के जितने भी ये तीन विशेषताएं, ये तीनों के तीनों कम्प्लीटली मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई हो रही है। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एज ए आर्ट कम्प्लीटली रूप से है। तो ऑल ओवर हमने क्या रिजल्ट निकाला, हमने निकाला कि यस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, प्रबंध जो है वो एक कला के रूप में पूर्णतः है। क्यों, क्योंकि कला के जितने भी विशेषताएं हैं वो सारी के सारे प्रबंध में शामिल होती है। मैनेजमेंट साइंस में हमने क्या रिजल्ट निकाला था कि विज्ञान के रूप में प्रबंध क्या है, अयथार्थ विज्ञान है। तो ऑल ओवर अगर हमें कॉम्बिनेशन करना हो इन सबका, तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है, और विज्ञान में कौन से टाइप का, इन एग्जैक्ट साइंस, अयथार्थ विज्ञान। तो ऑल ओवर हमने रिजल्ट निकाल लिया कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट मल्टी मोड कैसे है, ये सब की फॉर्म्स आप लोगों को बताए गए, आप लोगों को विद डिस्क्रिप्शन इनको अपनी लैंग्वेज में नोटबुक के अंदर नोट आउट करना है। PDF के अंदर आपको टेक्निकल लैंग्वेज प्रोवाइड करवा दी जाएगी, तो उनको भी अच्छे से रीड करना है और अच्छे से नोट आउट करो। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग,